वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज की मूवी का नाम है नोकेबो। मूवी की शुरुआत में 40 साल की क्रिस्टीन नाम की औरत दिखाई जाती है, जो कि एक अच्छी खासी और दिलचस्प जिंदगी जी रही होती है। क्रिस्टीन एक फेमस डिजाइनर है, जो कि खासकर बच्चों के अच्छे कपड़े डिजाइन करती है। एक दिन वो किसी फैशन शो में होती है और शो के बीच में उसको एक कॉल आती है। क्रिस्टीन फिर अपने ऑफिस में जाकर कॉल उठाती है और कॉल उठाते ही उसके हाव भाव बदल जाते हैं। कॉल करने वाला इंसान बताता है कि बहुत सारी जली हुई लाशों को बाहर निकाला जा रहा है। अब ऐसी बुरी खबर सुनने के बाद क्रिस्टीन बहुत दुखी हो जाती है और कॉल कट कर देती है। तभी गंदे कीड़ों से भरा हुआ एक कुत्ता क्रिस्टीन के सामने आता है। उस कुत्ते की बिना पुतली वाली सफेद आंखें होती है, जो कि बहुत ही डरावनी दिख रही है। अब अजीब बात तो यह है कि फैशन शो बिल्डिंग के 24वीं मंजिल पर है, इसलिए किसी जानवर का इतनी ऊंचाई पर आना मुमकिन नहीं लगता। फिर क्रिस्टीन मदद मंगवाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ पर जो कुत्ता आया होता है वो अपने शरीर को झटकाता है और उसके शरीर पर लगे हुए सारे कीड़े इधर उधर बिखरने लगते हैं। एक कीड़ा क्रिस्टीन की गर्दन के पीछे काट लेता है और अगले सेकंड वो कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी जादू से गायब हो गया हो। अब 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टीन किसी रहस्यमय बीमारी का इलाज करवा रही है। वो हमेशा थकी रहती है, उसको रात भर नींद भी नहीं आती और साथ ही उसको चीजें भूलने की बीमारी भी हो गई है। अब क्रिस्टीन के पति फ्लेक्स को दिखाते हैं, जो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहता है, लेकिन क्रिस्टीन हमेशा ही अकेले रहना चाहती है। अब अपना ध्यान भटकाने के लिए वो रोज काम पर जाती है और अपनी बेटी बॉब्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करती है। एक दिन दिखाते हैं तो क्रिस्टीन अपने घर पर अकेली होती है और कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने वाली एक औरत होती है, जिसका नाम डाइना है। वो बोलती है, मुझे आपके घर पर नौकर का काम करने के लिए बुलाया गया था। क्रिस्टीन इस बारे में कुछ देर तक सोचती रहती है, लेकिन उसको क्योंकि भूलने की बीमारी है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, और फिर वो डायना को नौकरी पर रख ही लेती है। फिर क्रिस्टीन डायना को अपना घर दिखाती है और आखिर में एक कमरा तैयार करती है जिसमें डायना रह सके। अब क्रिस्टीन के जाने के बाद डायना अपना सूटकेस खोलती है, जिसके ऊपर कपड़े और कुछ सामान रखा हुआ है। अब डायना अपने बच्चे की एक फोटो निकालती है और उसको कुछ देर तक देखती रहती है। वो उस अच्छे दिन की याद में डूब जाती है जिस दिन उसकी बेटी पैदा हुई थी। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब बात होती है। भले ही क्रिस्टीन एक दूसरे कमरे में जरूर है, लेकिन क्रिस्टीन को भी डायना की तरह पुरानी यादें दिखाई देती है। कुछ देर बाद डायना का ध्यान जमीन पर घूम रहे कीड़ों पर जाता है और वो उसको मैचेस के डब्बे में रख देती है। फिर वो मैचेस के डब्बे को अपने सूटकेस में रख लेती है और नीचे जाने लगती है। उसी वक्त फ्लेक्स और बॉब्स भी घर आ जाते हैं, इसलिए डायना उन दोनों को अपने बारे में बताती है, लेकिन दोनों को ही डायना पसंद नहीं आती और छोटी सी बॉब्स गुस्से में वहां से चली जाती है। और तभी डायना बोलती है, मैम आज रात का खाना मैं बनाती हूं, और फिर क्रिस्टीन इसके लिए मानी जाती है। अगले सीन में डायना चिमनी साफ कर रही होती है और इसके दौरान एक पेपर में बहुत सारी राख रख लेती है। तभी उसको पास वाले कमरे से क्रिस्टीन और फ्लेक्स के झगड़ने की आवाज आती है। फ्लेक्स इस बात से गुस्सा है कि क्रिस्टीन ने बिना पूछे डायना को काम पर क्यों रखा है। इसके जवाब में क्रिस्टीन बोलती है कि मैं डायना को एक हफ्ते तक देखूंगी, अगर वो अच्छे से काम करेगी तो ठीक है, वरना हम उसको जाने देंगे। अब शाम के समय दिखाते हैं तो डायना खाना बना रही होती है। वो खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसमें काले रंग की कोई जड़ी बूटी डालती है। उनके घर में पाली हुई चिड़िया यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन डायना के घोरने से वो चिड़िया चुप हो जाती है। अब कुछ देर में डायना सभी को खाना खिलाती है और सोचती है कि काश मेरा बनाया खाना सभी को पसंद आ जाए। और होता भी ऐसा ही है, सभी को डायना का खाना पसंद आ ही जाता है। वो बोलते हैं कि डायना, जो तुमने मीट में अलग सा फ्लेवर डाला है उसमें तो मजा ही आ गया। अब इस सब के दौरान जब क्रिस्टीन वाइन का ग्लास उठाने की कोशिश करती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसको अचानक ही बाजू में तेज दर्द होने लगता है। हालांकि डायना को पुराने तरीकों से इलाज करना आता है, इसलिए वो जल्दी से क्रिस्टीन की मदद करने आती है। क्रिस्टीन को नीचे लटाया जाता है और डायना उसके पूरे शरीर पर गुदगुदी करने लगती है। हाँ, ये इलाज देखने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि क्रिस्टीन पर यह तरीका काम कर जाता है। फिर क्रिस्टीन बिना किसी दर्द के अपने हाथ चला पा रही होती है। अब ये देखकर फ्लेक्स बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाता है और डायना को पसंद भी करने लगता है। रात के समय दिखाते हैं जब सभी लोग सोने चले जाते हैं, तो डायना क्रिस्टीन के काम करने वाले कमरे में जाती है। वहाँ वो स्विंग मशीन को देखती है और उसके बाद दीवार पर लगी एक पिक्चर देखती है। अब पिक्चर में क्रिस्टीन एक फिलिपिनो बच्चे के साथ खड़ी हुई है। इसको देखकर डायना को अपनी बेटी की याद आ जाती है, जो कि किसी वजह से अब डायना के साथ नहीं है। सोने जाने से पहले जो राख उसने इकट्ठा की थी, वो सारी राख को अपने दरवाजे पर फैला देती है। कुछ देर बाद उसको किसी छोटी बच्ची की आवाज आती है, जो बोलती है कि मैं आपके साथ हूँ। अब अगली सुबह छोटी बॉब्स इधर उधर घूम रही होती है और उसको डायना के दरवाजे पर राख मिलती है। वो देखती है कि राख के ऊपर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं, जिससे पता लग रहा है कि वहाँ कल रात कोई छोटा बच्चा आया था। इसके बाद डायना क्रिस्टीन और फ्लेक्स के लिए नाश्ता लेकर आती है। फिर क्रिस्टीन ऐसा करने के लिए डायना का शुक्र अदा करती है, लेकिन साथ ही बोलती है, डायना हम लोग नीचे किचन में खाना पसंद करते हैं। ये बात सुनकर डायना चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो कमरे के हर कोने को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। साफ पता लग रहा है कि डायना कुछ न कुछ करने के चक्कर में है।
अब स्कूल जाने से पहले बॉब्स अपनी मम्मी क्रिस्टीन से अकेले में बात करती है। मम्मा, मैंने आज डायना आंटी के कमरे में बाहर कुछ अजीब पैरों के निशान देखे। लेकिन इससे पहले कि बॉब से ज्यादा अच्छे से कुछ समझा पाती, वहाँ डायना आ जाती है। पता लगता है कि क्रिस्टी ने ही डायना को अपने साथ आने को कहा था ताकि वो बॉब्स के स्कूल जाने का रास्ता याद कर ले। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते के बीच में ही क्रिस्टीन चीजें भूलने लग जाती है, जिसकी वजह से वो स्कूल का रास्ता ही भूल जाती है। फिर वो कार से उतरकर स्कूल जाने का रास्ता गूगल पर देखने लगते हैं। लेकिन क्रिस्टीन की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो ठीक से टाइपिंग भी नहीं कर पा रही होती है। अब डायना ये देखती है और बोलती है, मेरे पास कुछ खास तरीके हैं जिससे मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो क्रिस्टीन ये जादू वगैरह पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जैसा कि कोई भी दवाई उसका इलाज नहीं कर पाई अभी तक, इसलिए वो डायना के तरीकों को इस्तेमाल करके देखना चाहती है। इसके बाद दोनों घर वापस आते हैं और डायना धुएं से भरा हुआ एक कमरा तैयार करती है। वो एक जार में गंदा पानी भरती है और क्रिस्टीन की साफ सफाई करने लगती है। हैरानी की बात तो यह है कि डायना का यह तरीका भी काम कर जाता है और क्रिस्टीन को बेहतर महसूस होता है। अब क्रिस्टीन डायना से पूछती है, तुमने ये सब कैसे सीखा, तुम्हें ये कैसे आता है? जिसके जवाब में डायना बोलती है, ये सब मुझे एक उमा से मिला है। अब बताते हैं, काफी सालों पहले जब डायना खुद एक छोटी बच्ची थी, तब एक बारिश वाली रात के दिन एक बूढ़ी औरत उनके घर में आती है। यह बूढ़ी औरत एक उमा ही है और उमा ऐसे अनोखे इंसान होते हैं जो किसी को भी ठीक कर सकते हैं या फिर किसी को भी तबाह कर सकते हैं। एक दिन बूढ़ी औरत मर जाती है, लेकिन तभी उसकी शक्तियाँ एक चिड़िया के रूप में बदलकर डायना के अंदर चली जाती है और फिर धीरे धीरे छोटी डायना अपने आसपास की चीजों से जुड़ने लगती है और पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों को समझने लगती है। इन सभी का इस्तेमाल करके छोटी डायना किसी को भी ठीक कर सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि छोटी डायना एक एंजल है और कुछ लोगों के हिसाब से डायना के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो क्रिस्टीन को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता, लेकिन डायना बोलती है, मैम आपको कहानी पर नहीं मेरे इलाज पर विश्वास करने की जरूरत है। अब अगले दिन क्रिस्टीन उन सभी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखकर आई है जो उसको रोज महसूस होती है। क्रिस्टीन को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि असल में है ही नहीं। उसको अचानक सुनना बंद हो जाता है और उसकी आंखें खुले खुले में भी सपने दिखाने लग जाती हैं। वो बताती है, डायना मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ये सभी चीजें खुद ही ठीक हो जाती हैं। क्रिस्टीन डायना से पूछती है, क्या तुम मुझे पक्का ठीक कर सकती हो ना? इसके जवाब में डायना बोलती है, हाँ बिल्कुल। अब अगले सीन में डायना क्रिस्टीन का इलाज शुरू करती है। वो क्रिस्टीन को राख से नहलाती है, एक्वापंचर करती है और साथ ही कोई जादू करती है जिसमें वो क्रिस्टीन के कुछ बाल भी जलाती है। लेकिन ऐसा करने से क्रिस्टीन की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी दवाइयां लेने लग जाती है। अब एक दिन क्रिस्टीन को अपनी दवाइयां नहीं मिलती, इसलिए वो डायना से इस बारे में पूछती है। इसके जवाब में डायना बोलती है, मैम आपने तो दवाइयों को बाहर फेंकने के लिए बोला था ना। फिर बाद में जब क्रिस्टीन अपने कमरे में होती है, उसको स्विंग मशीन के पास किसी रोते हुए बच्चे की आवाज आती है। जब वो इस चीज की जांच करने जाती है, तभी पूरे कमरे में आग लग जाती है। अब क्रिस्टीन जोर जोर से चिल्लाती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, और जैसे ही फ्लेक्स वहां पर आता है, पूरा कमरा पहले की तरह हो जाता है। अब अपनी पत्नी की चिंता करता हुआ फ्लेक्स डायना के कमरे में जाता है और बोलता है, तुम मेरी बीबी के दिमाग के साथ गड़बड़ी करना बंद कर दो। इसके जवाब में डायना बोलती, सर ये आप क्या बोल रहे हो, मैं तो क्रिस्टीन मैम की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैडम के शरीर से दानव निकल जाए ताकि मैम हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अब फ्लेक्स इस बात को सुनकर और भड़क जाता है और डायना से अगली सुबह निपटने का तय करता है। जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है तो एक चिड़िया उस पर हमला करने लगती है। फ्लेक्स उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो पक्षी दीवार से टकराकर मर जाता है। देखने पर पता चलता है कि वो पक्षी उन्हीं का पालतू था। अब फ्लेक्स सोचने पड़ गया है कि उनका पक्षी अपने पिंजरे से बाहर कैसे आया। अगली सुबह बॉब्स बहुत ही उदास बैठी होती है और अपनी छोटी चिड़िया को दफनाती है। डायना इस मौके का फायदा उठाती है ताकि वो बॉब्स से दोस्ती कर सके। अब डायना छोटी सी बॉब्स को ये विश्वास दिलाती है कि उसके पापा एक हत्यारे हैं। डायना बॉब्स को बोलती है, बेटी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनने के बाद बॉब्स को भी बहुत बेहतर महसूस होता है और वो डायना को अपना दोस्त मान लेती है। अगले कुछ दिनों तक क्रिस्टीन डायना के बताए इलाज करती रहती है और कुछ समय बाद उसको बेहतर महसूस होने लगता है। फिर वो अपने एक नए आइडिया के साथ ऑफिस जाती है। दूसरी तरफ डायना बॉब्स को स्कूल छोड़ने जाती है और उसको स्कूल से वापस भी लेके आती है। अब एक दिन स्कूल के बाद डायना बॉब्स को मौज मस्ती करने के लिए एक पार्क में लेके जाती है और इस बात से डायना को अपनी बेटी के साथ बिताए हुए समय भी याद आ जाता है, जब वो साथ घूमते थे और पिक्चर्स भी खिंचवाते थे। अब घर में दिखाते हैं तो फ्लेक्स अकेला है, इसलिए वो तय करता है कि आज मैं इस डायना के बारे में कुछ ना कुछ तो पता करके ही रहूंगा। वो डायना के बेड के नीचे देखता है तो उसको एक बैग मिलता है जिसमें क्रिस्टीन की दवाइयां पड़ी हुई है। और फिर क्रिस्टीन के घर आने पर फ्लेक्स इस बारे में उसको बताता है और ये बात सुनकर क्रिस्टीन बड़ी हैरान हो जाती है। अब गुस्से से भरी हुई क्रिस्टीन डायना का सामना करती है और बोलती है, अभी की अभी मेरे घर से निकल जाओ। हैरानी की बात तो ये होती है कि डायना बिना कुछ किए अपने कमरे में जाती है और शांति से अपनी चीजें पैक करती है। हालांकि वहां से निकलने से पहले वो एक कीड़ा पाइप के अंदर छोड़ देती है। फिर वो आखिरी बार बॉब्स से भी मिलने आती है और बोलती है, बॉब्स अगर तुम चाहती हो कि हम दोबारा साथ रह सकें तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब डायना के जाने के बाद क्रिस्टीन और फ्लेक्स राहत की सांस लेते हैं।
उसी रात दोनों शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक क्रिस्टिन को अजीब चीजें दिखने लगती है। वो देखती है कि एक बड़ा सा कीड़ा फ्लेक्स के मुंह से खून चूस रहा है। अगली सुबह बॉब्स क्रिस्टिन को झूठ बोलती है कि मामा आपकी दवाइयाँ पापा ने चुरा के छुपाई थी। छोटी सी बॉब्स को डायना से इतना लगाव हो गया है कि उसको वापस पाने के लिए वो अपनी मम्मी पापा के बीच लड़ाई करवाने के लिए भी तैयार हो गई है। और इस तरह डायना का प्लान बिल्कुल सही काम करता है। क्रिस्टिन मान लेती है कि फ्लेक्स ने उसे झूठ बोला है और इसलिए वो फ्लेक्स से बहुत झगड़ती है। बेचारा फ्लेक्स बोलता रहता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी दवाइयाँ नहीं चुराई थी। लेकिन क्रिस्टिन को फ्लेक्स की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। उसी रात जब फ्लेक्स सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो एक और पक्षी उस पर हमला करता है। अब की बार फ्लेक्स पक्षी को कुछ नहीं कर पाता और खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जल्द ही एम्बुलेंस वहां आती है और उसको साथ लेके जाती है। अब जैसा कि क्रिस्टिन का पति भी जा चुका है, इसलिए वो हर गुजरते दिन के साथ और पागल होती जाती है। वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाती और गार्डन के पीछे कीड़ा काफी बड़ा हो गया है। फिर वो अपना ध्यान सभी चीजों से भटकाने के लिए बच्चों के एक फैशन शो में जाती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। क्रिस्टिन को दोबारा गलत चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। उसको दिख रहा होता है कि उसके आसपास के सभी लोगों के शरीर में कीड़े लग गए हैं। डर की वजह से वो चिल्लाने लगती है और पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। अब सभी को लगने लगता है कि क्रिस्टिन तो पूरी पागल हो गई है, और इसकी वजह से क्रिस्टिन का बॉस उसको कुछ समय तक घर में रहने को बोलता है। क्रिस्टिन का दिल ही टूट जाता है कि उसको काम से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो और गहरे सदमे में चली जाती है। उसके इतने बुरे हाल हो गए हैं कि कभी कभी तो वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाती और डांट कर उसको भगाई देती है। एक दिन जब वो अपने बेड पर लेटी होती है, तभी बाहर दरवाजे पर घंटी बजती है। बॉब्स देखने जाती है कि दरवाजे पर कौन आया है, और तभी देखती है कि वहां पर डायना है, और उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। डायना को देखकर क्रिस्टिन को भी थोड़ा ठीक लगने लगता है। वो जादूगरनी डायना से उसको ठीक करने को बोलती है और डायना उसकी बात मान लेती है। अब इलाज की शुरुआत में डायना क्रिस्टिन को एक चम्मच में भरकर राख खिलाती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। डायना अपनी बेटी को काम वाली जगह लेके जाती है जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़ों का नाम देखकर हमें पता लगता है कि इस जगह की मालकिन कोई और नहीं, खुद क्रिस्टिन ही है। उस दिन क्रिस्टिन भी कंपनी को देखने के लिए आती है। वो मैनेजर को बोलती है कि आप काम को थोड़ा तेज करवाओ, लड़कियों को बोलो वो थोड़ा तेज काम करे। वो सभी दरवाजे बंद करने को भी बोलती है ताकि कोई कुछ चुराए ना। कुछ देर बाद क्रिस्टिन को डायना की बेटी मिलती है और वो छोटी बच्ची के साथ फोटो खिंचवाती है। ये वही पिक्चर्स हैं जो कि हमें क्रिस्टिन के कमरे में दिखाई गई थी। कुछ दिन बाद दिखाते हैं तो फैक्ट्री के अंदर काफी गर्मी हो जाती है, और इसलिए डायना अपने बॉस से पूछती है कि क्या मैं कुछ बाहर से पीने के लिए लेके आ सकती हूँ। लेकिन जैसे वो बाहर जाती है तो एसी की पाइप्स में शॉर्ट सर्किट होता है और इसकी वजह से पास वाले कपड़ों में आग लग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ सारी जगह पर आग लग जाती है, और जैसा कि फैक्ट्री के दरवाजों को बंद किया हुआ है इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। जब तक डायना को इस बारे में पता लगता है तब तक उसकी बेटी मर चुकी होती है। डायना बहुत रोती है और आखिर में बदला लेने की कसम खा लेती है। अब पता लगता है कि शुरू में डायना ने ही कीड़े वाले कुत्ते को क्रिस्टिन के ऑफिस में भेजा था। दोस्तों, क्या डायना की बेटी का मौत का जिम्मेदार क्रिस्टिन को बोलना सही होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो राख खाने के बाद क्रिस्टिन अपने होश खो चुकी होती है। डायना उसको जबरदस्ती स्विंग मशीन पर काम करने को बैठा देती है और लगातार काम करवाती रहती है। फिर वो बताती है कि कैसे तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी मर गई, और साथ ही बोलती है क्रिस्टिन अब तुम्हें भी वैसे ही तड़पना होगा जैसे कि मेरी बेटी तड़पी होगी। कुछ घंटों बाद क्रिस्टिन काफी बीमार हो जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगती है। इसके बाद वो एक कमरे में पहुंच जाती है जिसमें चारों तरफ आग लगी हुई है। उसको डायना की आधी जल चुकी बेटी भी दिखाई देती है। वो मदद के लिए आवाज लगाती रहती है लेकिन वो भी जिंदा जल जाती है। क्रिस्टिन को मारने के बाद डायना बॉब से आखिरी बार मिलती है। डायना अब घर की छत पर जाती है और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसकी सांस रुकते ही एक छोटा सा पक्षी उसके मुंह से निकलता है और बॉब्स के मुंह में चला जाता है। अब बॉब्स ही नई उमा है, और आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि फ्लेक्स अपने घर वापस आता है और उसको अपनी जल चुकी हुई पत्नी मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें कैसे माँ बाप की लड़ाई के बाद, कैसे माँ बाप के बुरे कर्मों के बाद बच्चे पर असर पड़ता है, और फिर कैसे माँ भी मर जाती है, बाप भी मर जाता है, और खुद बच्चा भी मर जाता है। देखिए इस मूवी को, जिसका नाम है 1922। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।